अस्सलामुअलैकुम। आज जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, वो है कि किस तरह हम यूएसबी को बूट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसके ज़रिए हम बूट करते हैं। क्योंकि यूएसबी को बूट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ अवकात हमारे पास वो नहीं भी होते, तो हम किस तरह यूएसबी को बूट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला काम जो है, यूएसबी को प्लग इन करना है कंप्यूटर में और सीएमडी प्रोग्राम जो है इसको रन करना है आपने। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है डिस्क पावर, एक न्यू टैब आपके सामने आ जाएगा। इसमें जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आपने लिखना है लिस्ट डिस्क। यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, इसमें आपने की जो यूएसबी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास डिस्क टू वाली यूएसबी जो है ना 32 GB वाली, ये मैंने सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट डिस्क टू, इसको उसके बाद क्लीन करना है, इसे दोबारा सफेद कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक बात गौर से जिसका आपने देखना है कि क्विक जो है ना ये लाजमी लिखना है। अगर आप क्विक नहीं लिखेंगे तो ये फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये देखें 0% कंप्लीटेड, अब ये 100% रुक जाएगा। सॉरी, इसने यहाँ पे एरर दे दिया मुझे, मतलब यूएसबी में कोई एरर है, ये इसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहा। तो हम दोबारा इसको करते हैं, ये देखिए ये 100% कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद हमें जो काम करना है वो इसको लेटर साइन करना है। एक मैं जेड दे देता हूँ, अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी दे दें आप। उसके बाद इसको एक्टिव करना है और साथ ही इसको एग्जिट कर देना है हमने। तो ये हमारी यूएसबी बूट हो गई है इस तरह। इसको भी एग्जिट कर देना जो हमारा न्यू टैब होगा। उसके बाद आपने वो फाइल ओपन करनी जिसमें आपकी विंडो मौजूद होगी। तो मेरे पास इसमें विंडो मौजूद थी सारी। अगर डीवीडी वाली फाइल्स हों तो फिर आपने सारी कॉपी करनी है, अगर सीडी वाली हों तो फिर तो एक ही होती है, वो उसको कॉपी करना है और यूएसबी में लाकर उसको पेस्ट कर देना है। इसका ये तरीक़ेकार है। अब ये चलती रहेगी, जब हमारे पास कॉपी हो जाएगी उसके बाद इसको देखेंगे हम। तो जैसा कि आपको पता चल चुका कि ये हमारी यूएसबी जो है ना ये बूट हो चुकी है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कई बार भी इससे विंडो कर सकते हैं। डीवीडी से हम एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा विंडो कर लेते हैं तो वो करप्ट हो जाती है, लेकिन ये हमारे पास काफ़ी टाइम यूज़ की जा सकती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके ज़रिए हम वीडियो बनाते, सॉरी यूएसबी बूट कर सकते हो, तो उसके लिए फिर हम ये कमांड यूज़ करते हैं जिसको सीएमडी कमांड कहते हैं। इसको सर्च करने के लिए आपने सीएमडी सिंपल लिखना है और ये कमांड आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपने जो कुछ लिखा है मैंने, आपने टाइप करना है और आपको आपकी यूएसबी जो है वो बूट मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।